हेलो एवरीवन, क्राउन जीके के क्लास में आपका स्वागत है। क्राउन जीके में हमने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि इंडिया कहाँ कितने लैटिट्यूड पे स्थित है, कितने लॉन्गिट्यूड पे स्थित है, कितने सारे स्टेट इसके तट पर है, ये सब हमने जाना था। उसके बाद हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में हमने हिमालयस के बारे में, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अब तक समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और द आइलैंड्स। ये पांच विभाजन थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के, थे पांच, जिनमें से हमने तीन को पढ़ लिया है। बस दो बाकी हैं, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और द आइलैंड्स। इन दोनों को हम आज के वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। The peninsula plateau is flanked by a coastal plain of varied width extending from Kutch to Odisha. तो peninsula plateau जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है, ये coastal plain से घिरा हुआ है of a varied width, इसके अलग अलग चौड़ाई है, अलग अलग width है, extending from Kutch to Odisha. तो Kutch से लेके उड़ीसा तक ये अलग अलग चौड़ाई में coastal plains फैले हुए हैं। तो Kutch आपका कहाँ आता है, गुजरात में, यहाँ Kutch है और यहाँ से लेके उड़ीसा तक हम जाएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि समुद्र के तट के वाले स्थान को कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, गुजरात के कच्छ से लेके उड़ीसा तक ये फैला हुआ है। द पार्ट ऑफ द प्लेन कवरिंग वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला दैट इज अरबियन सी इज नोन एज वेस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो वेस्ट में है इसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे और इधर क्या है, इधर आपका अरेबियन सी आता है, इधर अरेबियन सी है और इधर के साइड को हम क्या कहेंगे जो वेस्ट में है, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। While on the one on the Bay of Bengal side is the east coastal plain, और जो इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, जो बे ऑफ बंगाल साइड में है ईस्ट में, इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। यह हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में और वेस्ट में है अरेबियन सी। The west coast is narrow while the east coast is broad. तो वेस्ट कोस्ट क्या है, नैरो है और ईस्ट कोस्ट क्या है, चौड़ा है, ब्रॉड है। वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, अब आते हैं पढ़ते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो इट लाइज बिटवीन सहाद्रीज एंड द अरबियन सी एंड एक्सटेंड फ्रॉम कच्छ टू कैप कैमोरिन अप टू अ लेंथ ऑफ 1400 किलोमीटर। तो कच्छ से लेके केप कैमोरिन तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला हुआ है और इसकी लेंथ कितनी है, 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की लेंथ। देयर एवरेज विड्थ इज 10 टू 25 किलोमीटर, विड्थ इनकी कितनी है, 10 से 25 किलोमीटर इनकी विड्थ है, इनकी चौड़ाई है। इन द कोंकण सेक्शन इट इज 50 टू 80 किलोमीटर वाइड। कोंकण सेक्शन आपका कहाँ आता है, इधर कहीं गोवा के पास आता है, गोवा में कोंकण सेक्शन है, तो कोंकण सेक्शन के पास ये लगभग 50 से लेके 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। The river form estuaries, this region has two parts. तो इधर की नदियाँ क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। आपको भी पहले से पता होगा कि जो नदियाँ वेस्ट में बहती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, जबकि जो नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं बे ऑफ बंगाल में, वो डेल्टा बनाती हैं। This region has two parts. तो इस रीजन के दो भाग हैं। पहला है कोंकण कोस्ट, इट एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। तो कोंकण कोस्ट जो है वो गोवा से लेकर मैंगलोर तक फैला हुआ है। सेकेंड है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। तो मालाबार कोस्ट जो है वो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स एंड बैक वाटर्स नोन एज कयास लाई अलोंग द कोस्ट। तो कयास जिसे कि बैक वाटर्स कहा जाता है वो इसी कोस्ट के अंतर्गत लाई करते हैं, इसके अंदर, मालाबार कोस्ट के अंदर। The Ashtamudi and Vembanad are prominent lakes. तो Ashtamudi और Vembanad जो है यहाँ के दो प्रसिद्ध झीलें हैं। अब वेस्ट कोस्टल प्लेन खत्म हुआ, हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ आते हैं। इट लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पर लाई करता है। इट हैज एन एवरेज विड्थ ऑफ 120 किलोमीटर और इसकी एवरेज विड्थ कितनी है, 120 किलोमीटर। It has two important ports. तो इसके कुछ दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, कौन है, Northern Sarkar Coast.
इट एक्सटेंड्स बिटवीन द डेल्टा ऑफ हुगली एंड कृष्णा रिवर। तो नॉर्दर्न सरकार कोस्ट जो है वो डेल्टा ऑफ हुगली से लेकर, हुगली के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। इट इज अ कोस्ट ऑफ इमर्जेंस। चिल्का लेक इज अ प्रोमिनेंट लैगून। तो चिल्का लेक यहाँ का है एक प्रसिद्ध लैगून है। अगला है कोरोमंडल कोस्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कृष्णा डेल्टा टू कन्याकुमारी। लैगून्स आर कंप्लीटली अब्सेंट। तो कोरोमंडल कोस्ट जो कहाँ से फैला हुआ है, तो कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और यहाँ लैगून नहीं होते हैं। लैगून कंप्लीटली अब्सेंट होते हैं। अब अगला है द आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह। India has a number of islands scattered in the Bay of Bengal, 204 and Arabian Sea 36 islands. तो island क्या है? Bay of Bengal में islands का number है 204 और Arabian Sea में कितने island है? लगभग 36 island Arabian Sea में है, 36 द्वीप Arabian Sea में, और Bay of Bengal में बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप हैं। Bay of Bengal island, तो Bay of Bengal island को अब हम पढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसे कहा जाता है। दिस आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो होती है वो कहां से किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। टेन डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट जिसे कि पिगमेलियन पॉइंट और लाल हिंचिंग भी कहा जाता है। इट्स सिचुएटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो भारत का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये निकोबार आइलैंड पे स्थित है, जिसे कि पिगमेलियन पॉइंट या लाल हिंचिंग के नाम से भी जाना जाता है। डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन लिटिल अंडमान एंड ग्रेट अंडमान। तो डंकन पास कहाँ सिचुएटेड है? लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान के बीच में। टेन डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में है और डंकन पास है लिटिल अंडमान एंड ग्रेट अंडमान के बीच में। यही याद करने लायक चीज है, यही एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। टेन डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, डंकन पास किसे सेपरेट करता है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। There are two volcanic islands, Barren which is active and Narcondam which is dormant. तो यहाँ दो volcanic island पाए जाते हैं, दो volcanic द्वीप हैं। Barren island है जिस Barren volcanic island है जो कि सक्रिय है, जबकि Narcondam volcanic island है वह है निष्क्रिय है। Situated within the 80 km east of Andaman, जो कि अंडमान के 80 किलोमीटर ईस्ट में स्थित है, पूर्व में स्थित है। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। तो सैडल पीक क्या है? सैडल पीक ये हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान। माउंट थुलियर इज ऑन द ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर कहाँ है? माउंट थुलियर इज ऑन द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर स्थित है जिसकी की ऊंचाई है 642 मीटर। लैंडफॉल आइलैंड इन द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द ग्रुप। लैंडफॉल आइलैंड जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है इस ग्रुप का। कौन सा? लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप। किस ग्रुप का? तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम म्यांमार बाय कोको पैसेज। और ये अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वो म्यांमार से कोको पैसेज के द्वारा अलग हुआ है। कोको पैसेज से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड म्यांमार से अलग होता है। आगे है द मिडिल अंडमान इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द ग्रुप। मिडिल अंडमान क्या है? मिडिल अंडमान बिगेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइलैंड का। मिडिल अंडमान इज द बिगेस्ट आइलैंड। सैडल पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है अंडमान का और मिडिल अंडमान जो है वो बिगेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का। द कैपिटल ऑफ आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड इज
पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है, सिचुएटेड ऑन द साउथ अंडमान। तो अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में स्थित है। द अंडमान आइलैंड्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ टर्शियरी माउंटेन चेन ऑफ अरकानियुमा। तो यहाँ एक तृतीयक पहाड़ों की चेन है, जिसे जो कि कौन सा पहाड़ है, अरकानियुमा। तो यहाँ अरकानियुमा पहाड़ की चेन पाई जाती है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कंप्राइज 18 आइलैंड ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। तो निकोबार जो आइलैंड है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, निकोबार द्वीप समूह है, तो उसमें लगभग 18 आइलैंड होते हैं, जिसमें कि 11 जो है इसपे लोग बसे हुए हैं, यानी कि 11 पे 18 में से 11 पे लोग निवास करते हैं। आगे है अरबियन सी आइलैंड। अब इधर आ जाते हैं, अरबियन सी अरब सागर द्वीप समूह में लक्षद्वीप के बारे में है कि इट कंप्राइजेस ऑफ 36 आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 108 स्क्वायर किलोमीटर। तो अरबियन सी में लगभग 36 आइलैंड है, जिसमें कि जिसकी एरिया है लगभग 108 स्क्वायर किलोमीटर। अरबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसकी की एरिया है लगभग 108 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें लगभग 36 आइलैंड है, 36 द्वीप है इसमें। लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ कोरल ओरिजिन, ओनली 10 आइलैंड आर इनहेबिटेड। तो 36 में से बस 10 ही, केवल 10 आइलैंड जो है वो यहाँ पे लोग निवास करते हैं, इनहेबिटेड है लोगों के द्वारा। द शॉर्टेस्ट डिसेंट फ्रॉम मेनलैंड इज अबाउट 108.78 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि कालीकट है, कालीकट जो मेनलैंड में इंडिया पे है, इंडिया में, वहां से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो 108.78 किलोमीटर है। कवरत्ती लोकेटेड ऑन द सेम आइलैंड इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो कवरत्ती जो है लक्षद्वीप में ही स्थित है, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। वैसे ही लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड में ही स्थित है। मिनिकॉय इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप बाय 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है वो ये सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, और ये बाकी जो आइलैंड है, बाकी लक्षद्वीप से मिनिकॉय ये 8 डिग्री चैनल से सेपरेट है, 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय बाकी के द्वीप से अलग हुआ है। इट हैज अ लाइट हाउस एंड अ वेदर ऑब्जर्वेटरी। यहाँ एक लाइट हाउस और वेदर ऑब्जर्वेटरी भी पाया जाता है, मौसम की जानकारी वाले जो यंत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कलेक्टिवली नोन एज अमीन देवी। और नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप जो है लक्षद्वीप का, जो नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप है उसे अमीन देवी के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड लक्षद्वीप। और जो सेंट्रल ग्रुप है उसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप को अनिमी देवी और साउदर्न मोस्ट को मिनिकॉय, और जो बीच में है सेंट्रल वाले को क्या नाम से जाना जाता है, तो सेंट्रल वाले को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। एंड रोट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, एंड रोट। एंड्रोट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हैज मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड कोकोनट ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। तो लक्षद्वीप के पास टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के बहुत सारी जगह है, टूरिस्ट लोग यहाँ बहुत ज्यादा जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, और फिशिंग यानी कि मछली पालन या मछली मारना यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यापार है। और कोकोनट ट्रीज आर एबंडेंट, और नारियल के जो पेड़ हैं बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। अब कुछ है ऑफशोर आइलैंड, कुछ अपतटीय क्षेत्र हैं, कुछ अपतटीय द्वीप हैं, वो कौन कौन से हैं। तो वेस्ट कोस्ट आइलैंड, वेस्ट कोस्ट आइलैंड में कुछ अपतटीय द्वीप कौन कौन से हैं। तो पहला है पीरम भाईसाला, जो कि काठियावाड़ में है। दूसरा है खादिया बेत, जो कि अलिया बेत नर्मदा तापी के माउथ पे स्थित है। तीसरा है एलिफेंटा, सलजेट क्रॉस बुचर करंजा, जो कि मुंबई में स्थित है। चौथा है भटकल पिजन कॉक, जो कि मंगलोर कोस्ट में स्थित है।
पांचवा है दीव वैद्य नूरा पीर्थन जो कि कच्छ में स्थित है। छठा है व्यापिन जो कि कोची के नजदीक है। अब ईस्टर्न कोस्ट आइलैंड, यह न्यू मोरे गंगा सागर, यह गंगा सागर डेल्टा है। पंगमान क्रोकोडाइल आइडुना, यह गल्फ ऑफ मनार है, मनार में है। शॉर्ट व्हीलर महानदी, यह ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर पाया जाता है। अगला है पारीकूड, यह माउथ ऑफ चिल्का लेक, चिल्का झील के मुहाने पर पाया जाता है। पांचवा है श्रीहरिकोटा जो कि पुलिकट झील में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमने पढ़ा हिमालय, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और आइलैंड्स, ये हमने भारत के पांच फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ लिया। यहाँ तक हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया समाप्त होता है। अगले क्लास में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। भारत में नदी तंत्र को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।